ज्योतिष की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एस्ट्रोडिफाई चैनल को और नोटिफिकेशन के लिए दबाएं इस बेल आइकन को। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोडिफाई पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जब शुक्र तुला राशि में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में स्थित होता है तो उसके कैसे परिणाम होते हैं। तो आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप उनसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज हम जान रहे हैं कि शुक्र तुला राशि में किस प्रकार के परिणाम देता है। सबसे पहले संक्षिप्त रूप से शुक्र और तुला राशि के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। शुक्र जो है ज्योतिष शास्त्र में शुक्र, चंद्र और बुध ये बहुत ही सौम्य ग्रह माने जाते हैं। और सौम्य ग्रह का अर्थ होता है कि इन ग्रहों के ऊपर अन्य दूसरे ग्रहों, भावों और राशियों का प्रभाव बहुत आसानी से पड़ता है। तो शुक्र जो है, अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो शुक्र को लक्ष्मी और माया का स्वरूप माना जाता है ज्योतिष के अनुसार। और इसी कारणवश लक्ष्मी और माया के स्वरूप को नियंत्रित करने के कारणवश शुक्र धन, ऐश्वर्य, वैभव, भव्यता, संपन्नता, समृद्धि, सुख, इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में कारक बनता है। शुक्र के बिना धन हो जाने पर भी धन का उपभोग करने की जो एक शक्ति है वो व्यक्ति को जीवन में प्राप्त नहीं होती। तो शुक्र जो है वह इसी का कारक नहीं कि धन हो या नहीं हो, इस बात का भी वो कारक है कि धन का उपयोग कैसे हो पाएगा, या हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, संपन्नता होगी या नहीं होगी। शुक्र जो है इसके अतिरिक्त कारक होता है संबंधों का, भावनाओं का, संवेदनाओं का। शुक्र और चंद्र दोनों ही भावनाओं के ग्रह माने जाते हैं, इमोशंस के, हैप्पीनेस के, और कोई भी ऐसी चीज़ें जिनसे हमें खुशी और सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। शुक्र जो है वो आकर्षण, इंद्र तृप्ति, कामुकता, सौंदर्य, यौवन, वासना, भोग, विलास, प्रेम, सुख, हर्ष, उल्लास, सृजन, कला, संगीत, कल्पना शक्ति, इन सब का ग्रह माना जाता है। शुक्र जो है वह कारक ग्रह होता है जो कि हमें क्रिएटिविटी देता है, यानी कि रचनात्मक क्षमता किसी भी क्षेत्र में वो हो सकती है, परंतु कल्पना शक्ति और सृजनात्मक कला और रचनात्मकता का कारक ग्रह शुक्र को माना जाता है। शुक्र जो है सभी प्रकार की भव्यता के विषय वस्तुओं को संबोधित करता है। तो जो भी हम अपने इर्द गिर्द माया में शो, ग्लैमर को देखते हैं वो शुक्र के अंतर्गत आते हैं। और ऐसे सभी प्रकार के विषय वस्तु और उपभोग की सभी प्रकार की चीज़ें वह भी शुक्र के अंतर्गत ही आएंगी, जैसे फैशन, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, आभूषण, भ्रमण, टूर एंड ट्रेवल्स जिसको कहें, गाड़ियाँ, भवन, हॉस्पिटैलिटी का पूरा क्षेत्र, ये सब जो है शुक्र के अंतर्गत है। और शुक्र जो है जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो क्षेत्र है उसका भी कारक होता है। जो हम अपने आज के युग में स्मार्टफोन्स और सारे गैजेट्स जो हम देखते हैं, जो देखने में और यूज़ करने में एक तरीके से शो और ग्लैमर से भी जुड़ते हैं, और दूसरा उनका तकनीकी उपयोग तो है ही, तो वो भी शुक्र के अधीन है। शुक्र मनोरंजन का ग्रह है, डिज़ाइन का ग्रह है, अम्यूज़मेंट, किसी भी चीज़ जिससे हमें खुशी की प्राप्ति हो उसको नियंत्रित करता है, खेल को नियंत्रित करता है, कला और कविता का कारक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र के अंतर्गत हैं। और यदि हम शरीर की बात करते हैं तो शुक्र जो है वो यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, पैंक्रियास को, खास तौर से अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करते हैं तो पैंक्रियास और एड्रीनल ग्लैंड का वो कारक है, और मस्तिष्क के एक खास हिस्से सब्सटेंशिया निग्रा को वो नियंत्रित करता है। तो ये सारी चीज़ें शुक्र के अधीन हैं। अब बात करते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि जो है सातवें भाव की मूल राशि है और शुक्र की ये खुद की राशि है। शुक्र इसका स्वामी ग्रह होता है और इस यह एक वायु तत्व की राशि है। तो इसमें जो है शुक्र के सातवें भाव के और वायु तत्व के तीनों के मिश्रित गुण पाए जाते हैं। इस राशि को अगर जो है हमें डिफाइन करना हो, इसकी परिभाषा देनी हो, तो सिर्फ एक शब्द में इसकी परिभाषा दी जा सकती है, वो है माया। तो शुक्र भी माया का कारक है और यह उसकी मूल त्रिकोण राशि है, इस वजह से यह भी संपूर्ण रूप से माया को संबोधित करती है, उसका नियंत्रण करती है। तो माया के अधीन जितनी भी विषय वस्तुएं, प्राणी मात्र, सारे इसके अधीन हो जाते हैं। तो मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो तुला राशि जो है
माया के अधीन हो जाने वाले सभी विषय वस्तुओं को नियंत्रित करेगी, जैसे धन, समाज, जनता, किसी प्रकार का संतुलन, कानून व्यवस्था, कूटनीति, वाणिज्य, व्यापार और सामाजिक जीवन, मित्र, हमारे प्रबंधन, शो, ग्लैमर, एक सामाजिक छवि, कामुकता, सौंदर्य, आकर्षण, भव्यता, इन सब की वो कारक बन जाती है। और यदि हम शरीर की बात करते हैं तो वह भी यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नियंत्रित करती है, लोअर एब्डोमेन के पोर्शन को कंट्रोल करती है। तो यह शुक्र और तुला राशि के बारे में हमने जाना है। अब आगे बात करते हैं कि इसके परिणाम कैसे होते हैं जब शुक्र इस राशि में हो। जो लोग भी ज्योतिष से अवगत है उनको यह बात भलीभांति पता है कि शुक्र जो है जब इस राशि में है तो वह इसकी मूल त्रिकोण राशि है। आगे बढ़ने से पहले इस बात को ज़रूर जान लें कि शुक्र के लिए, शुक्र दो राशियों का स्वामी होता है, एक वृषभ का और एक तुला का, और दोनों ही उसके लिए बहुत अच्छी राशियां मानी जाती हैं। पर तुला जो है इसकी मूल त्रिकोण राशि है। इसके पीछे तथ्य क्या है, क्या कारण है कि शुक्र के लिए यह एक शुभ राशि है, वृषभ से भी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और यह इसकी मूल त्रिकोण राशि समझी जाती है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला इसके कुछ एक कारण हैं, दो तीन कारण हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुला राशि जो होती है वो संतुलन को दिखाती है। अक्सर यह लोग भ्रांति में रहते हैं कि शुक्र जिन भी व्यक्तियों का तुला राशि में होता है उनके संबंध बड़े संतुलित होते हैं। यह एक बहुत बड़ी भ्रांति है समाज में कि आप यह समझें कि शुक्र यदि उच्च का है, अपनी राशियों में है, तो आपके वैवाहिक जीवन बड़ा संतुलित होगा, आप स्वयं बड़े संतुलित होंगे, हर चीज़ में आप संतुलन ढूंढेंगे या बनाए रखेंगे। यह सारी एक तरीके से गलत भ्रांतियां हैं जो मन में लोगों के बहुत समय से व्याप्त हैं, इनको बाहर निकालिए। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनका शुक्र बहुत अच्छा होता है, उनके संबंध कभी ज़िंदगी में टिक नहीं पाते। बहुत अच्छा यानी उच्च का भी है, अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में, अभी इसके बारे में और गहनता से चर्चा करेंगे इस वीडियो में। परंतु इस बात को पहले समझ लीजिए कि यदि आपने भी मन में यह भ्रांति बना के रखी है कि तुला का अर्थ होता है संतुलन और शुक्र यदि इस राशि में है तो आपके जीवन में हर चीज़ संतुलित होगी जो शुक्र नियंत्रित करता है, तो आप भ्रांति में हैं। ये गलत है, क्योंकि इसका एक बहुत मौलिक कारण है, उसको पहले समझें। संतुलन का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में सब कुछ संतुलित रहेगा। संतुलन शब्द का अर्थ यहाँ गलत लिया जाता है, लोग इसको गलत लेते हैं। तो इसका सही अर्थ यह है कि यह नहीं कि संतुलित हमेशा हर चीज़ें वो बनी रहेंगी जो शुक्र के अधीन है आपकी कुंडली के अनुसार। इस यानी कि मान लीजिए शुक्र आपकी कुंडली में जो है विवाह का कारक बन जाएगा तो आपका विवाह संतुलित रखेगा और उसमें कोई अड़चनें नहीं होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। या आपके करियर का अगर कारक है तो वह संतुलित रहेगा, उसमें प्रगति होगी। ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने इन क्षेत्रों में शुक्र के अच्छे हो जाने के बावजूद भी बहुत सारी परेशानियों को झेलते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, उनके जीवन में संतुलन क्यों नहीं काम करता? तो सबसे बड़ी बात यह है कि संतुलन को गलत अर्थ दिया जाता है, और सही अर्थ इसका यह है कि संतुलन यहाँ नहीं होता, यहाँ पे संतुलन बनाए रखने का लगातार प्रयास होता है। दोनों में फर्क होता है, आप लगातार संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं या संतुलन हमेशा से बना ही हुआ है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और उससे भी बड़ी बात वह यह है कि कोई भी चीज़ पूरे सृष्टि ब्रह्मांड में संतुलन में नहीं होती, कभी भी संतुलन में नहीं होती। पर यहाँ पे मुख्य जो कारण बनता है वह यह कि किसी एक को स्वयं के मूल्य, अभिव्यक्ति और अस्तित्व की अनुभूति और उससे उत्पन्न होने वाले आनंद के लिए दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती ही है। तो कोई भी एक पक्ष हो उसको दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती ही है, क्योंकि यदि दूसरा पक्ष नहीं होगा तो उसको अपने स्वयं के मूल्य का, अपनी अभिव्यक्ति का और अपने अस्तित्व का ज्ञान और बोध कभी जीवन में नहीं हो सकता। ये उसी प्रकार से इसको उदाहरण के रूप से समझ लीजिए कि जैसे एक व्यक्ति कभी भी स्वयं को बिना आईने के कभी देख नहीं सकता। अगर आईने सारे दुनिया से हट जाएं तो आप कभी अपना चेहरा भी नहीं देख सकेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपने स्वरूप को देखने के लिए, अपनी मूल्य को पहचानने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति को समझने के लिए
उसके लिए हमें दूसरे पक्ष की और विषय वस्तु प्राणी कुछ भी हो सकते हैं, वो उनकी आवश्यकता जीवन में होती ही है। तो ये अगर नहीं है तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, और इसी कारण वश सबसे बड़ा ये मुख्य कारण होता है कि इसी पे पूरा दर्शन शास्त्र टिका होता है। जितनी फिलॉसफी हम दुनिया भर में पढ़ते हैं, खासतौर से भारतीय मूल की जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, उनकी सबसे बड़ी जो आधारशिला है वो इसी तथ्य पे रखी गई है कि इसी कारण वह संसार का निर्माण होता है, सृष्टि की संरचना होती है इसी एक तथ्य के कारण ही। तो यहाँ पे संतुलन को यह मत समझिए कि हमेशा हर चीज़ संतुलित है, नहीं। संतुलन का अर्थ यहाँ यह नहीं कि दोनों पल्ले हमेशा से बराबरी के थे, इसलिए है कि एक के मूल्य को दूसरा का दूसरे के पल्ले में जो भी चीज़ पड़ी है वह एक दूसरे को कंपनसेट करती है, एक चीज़ दूसरे की वैल्यू बताती है। तो आप कोई भी मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण, बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो इस सामान एक पल्ले में रखा जाता है और दूसरी तरफ तराजू में वजन रखा जाता है, जितनी क्वांटिटी आपको चाहिए। अगर हम वजन नहीं डालेंगे तो हमें कितना पता चलेगा और कैसे पता चलेगा कि कितना मात्रा में सामान आप खरीद रहे हैं या दिया जा रहा है? तो मात्रा का बोध होने के लिए हमको दूसरे पल्ले में एक दूसरा मापने का सामान चाहिए ही चाहिए, इस वजह से इसे संतुलन कहा जाता है। और संतुलन कभी एग्जैक्ट नहीं होता, पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण होता है शुक्र माया का स्वरूप था, तुला संबंधों को दिखाती है। तुला राशि सातवें भाव की मूल राशि है और यह दिखाती है हमारे इर्द गिर्द माया को, नो डाउट, पर सबसे बड़ी बात है संबंध इसका मुख्य एक तरीके से आधार बनता है। तो दोनों मुख्यता, दोनों यानी शुक्र भी और तुला भी, दोनों मुख्यता भावनात्मक सुख, लगाव और संतुष्टि के कारक है, इमोशनल अटैचमेंट और सेटिस्फैक्शन को ये कंट्रोल करते हैं। और जीवन में सभी प्रकार के प्रतीतात्मक संबंधों से ही पूर्ण सृष्टि का संचार और नियंत्रण होता है। किसी भी कार्य के पीछे याद रखें कोई ना कोई संबंध कार्य करता ही है, वह अच्छा भी हो सकता है वह बुरा भी हो सकता है, यह तो व्यक्ति के जीवन पर निर्भर है। पर सबसे बड़ी बात है कि कोई ना कोई संबंध कार्य करता ही है किसी भी कार्य के पीछे, किसी भी कर्म के पीछे, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बच्चा है और बच्चे की महत्वाकांक्षाएँ कई बार होती हैं कुछ और हों, पर उसके माता पिता की महत्वाकांक्षाएं कुछ और हों, तो वह अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए वह प्रयास पूरा कर रहा है कि मैं ये जो भी महत्वाकांक्षाएं उनकी हैं, जो इच्छाएं मेरे माता पिता की, वह मैं संपूर्ण कर सकूं, उसके लिए वह प्रयास करे। तो यहाँ पे क्या है, ये एक उदाहरण के तौर से आपको समझाने का प्रयास है कि किसी भी कार्य के पीछे वह कितना छोटा हो कितना बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई संबंध मौलिक रूप से कार्य करेगा ही उसके पीछे, और इसी से माया बनती है और चलती है। दूसरी चीज़ होती है कि संबंध जैविक, मानसिक और स्वार्थ की पृष्ठभूमि पर ही बनते और चलते हैं। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम संबंध जैविक यानी बायोलॉजिकल, मानसिक यानी मेंटल और इमोशनल, और स्वार्थ यानी सेल्फिश एटीट्यूड की पृष्ठभूमि पर बनते और चलते हैं। और इनके कारण एक बटरफ्लाई इफेक्ट का जो है एक प्रभाव दिखाई पड़ता है पूरे संसार पे। तो एक छोटी सी घटना बहुत बड़े स्तर पे जो है जब प्रभाव को जन्म दे दे, उसे कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो यहाँ पे यह संबंधों के कारण भी दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बहुत ही, ये सारी बातें बहुत गूढ़ हैं, इनके पीछे बहुत सारा जो है एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है, इतना समय नहीं है और समय के अभाव के कारण यहाँ इन चीज़ों के जो है आगे हम चर्चा नहीं कर सकते। परंतु जो मुख्य बातें थीं कि तुला को ही क्यों शुक्र की मूल त्रिकोण राशि माना जाता है, उसके जो कारण थे वो आपको हमने बता दिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, परिणामों के बारे में जानते हैं। तो शुक्र की ये मूल त्रिकोण राशि है, क्यों होती है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब यदि शुक्र और चंद्र कुंडली में शुभ हैं, व्यक्ति के अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो यह व्यक्ति को भौतिक, कलात्मक, रचनात्मक, कल्पनाशील, बहिर्मुखी या उभयमुखी, ये एक्स्ट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट बनाता है। इंट्रोवर्ट बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है,
सामाजिक यानी सोशल एटीट्यूड देगा, सामाजिक बनाता है, मिलनसार बनाता है, व्यवहारिक मानसिकता प्रदान करता है, व्यक्ति को स्वतंत्र मानसिकता देता है, इंडिपेंडेंट एटीट्यूड। तो इंडिपेंडेंट भी होते हैं और अडेप्टेबल भी होते हैं। दूसरा, भावनात्मक ये स्वभाव प्रदान करेगा, भावनात्मक भी और सौम्य व्यवहार भी, आकर्षक बनाता है, व्यक्तित्व में भी आकर्षक और किसी भी प्रकार के अन्य गुणों के द्वारा भी आकर्षण में वृद्धि होती है। तो इसका यही नहीं है कि आकर्षण खाली शारीरिक रूप रंग और एक आपके छवि से ही निकल के सामने आ रहा है कि देखने में बड़े सुंदर हैं, अट्रैक्टिव हैं, वो उसके अतिरिक्त आकर्षण किसी भी कारणवश हो सकता है कि कोई व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है, उसके कारण भी उसकी आकर्षण होती है, कोई व्यक्ति बड़ा चतुर है और कोई व्यक्ति जीवन में बड़ा छोटे से उठ करके बहुत ऊंचे स्तर तक गया है, प्रभावशाली है, लोग उसकी बात सुनते हैं। तो ये सभी आकर्षण के अलग अलग पहलू होते हैं। तो आकर्षण यह किसी भी प्रकार के गुण से निर्मित हो सकता है, यही नहीं कि वह शरीर की सुंदरता से ही देखा जाए, पर दोनों हो सकते हैं। यहाँ पे यदि शुक्र अच्छी परिस्थिति में चंद्र के सहयोग से बैठा है। दूसरा, ये कामुकता को शरीर में बढ़ाता है और भोग विलास सौंदर्य संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य प्रिय बनाता है व्यक्ति को। इनकी प्राप्ति होगी या नहीं होगी यह कुंडली के अन्य योग बताते हैं। यानी कि अर्थ यह है कि शुक्र जब इस राशि में हो तो अधिकतम तौर पे व्यक्ति के भीतर सौंदर्य संपत्ति वैभव और ऐश्वर्य के प्रति रुझान और आकर्षण अधिक दिखाई पड़ता है, परंतु इनकी प्राप्ति है या नहीं है ये अन्य योगों के ऊपर निर्भर करता है। और यदि अन्य योग शुभ है तो निश्चय ही व्यक्ति इनसे युक्त भी होगा। इसके अलावा सौंदर्य साज सज्जा संगीत साहित्य कला संस्कृति भोजन मनोरंजन पर्यटन भवन भ्रमण संबंध काम प्रेम प्रशंसा ख्याति और समृद्धि सभी प्रकार के भोग विलास के विषय वस्तु और साधन के प्रति यहाँ पे अधिक आकर्षण और प्राप्ति, इनकी प्राप्ति द्वारा भावनात्मक संतुष्टि और सुख की अनुभूति व्यक्ति को होती है। क्योंकि शुक्र और तुला दोनों ही माया के एक नियंत्रक हैं, कारक हैं, इसलिए जो भी चीज़ें विषय वस्तु माया के अधीन हैं वह सभी में व्यक्ति का रुझान बढ़ता है। तो इसका यह अर्थ नहीं है कि एक खराब बात है, बहुत अच्छी बात है। और यह इन सभी गुणों की वृद्धि के कारण व्यक्ति को जीवन में भौतिक रूप से प्रगति भी देता है, मटेरियल प्रोग्रेस भी प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ पे इस परिस्थिति में व्यक्ति के भीतर क्योंकि जो है संबंध और विवाह के लिए अधिक आकांक्षा होती है, क्योंकि शुक्र और तुला दोनों ही संबंधों को और भावनाओं को और संवेदनाओं को नियंत्रित करते हैं। तो कोई भी जो इमोशनल सेटिस्फैक्शन है वो रिलेशनशिप से ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे नेचुरली एफिनिटी जो होती है वो प्रेम संबंध और विवाह के लिए बढ़ जाती है, आकांक्षा इनकी बढ़ती है। और अधिकतम तौर पे जिनका शुक्र इस राशि में है, जब तक कि कोई अन्य बहुत ही प्रबल योग ना बने कुंडली में एक प्रकार से जो आध्यात्मिक माने जाएं, तब तक यह परिस्थिति इसके लिए जो है अलाउ नहीं करेगी कि व्यक्ति का रुझान रिलेशनशिप्स में ना हो। ये बहुत कठिन होता है। तो ये अच्छी परिस्थिति भी है, क्योंकि इसका इसके बारे में भी और विस्तार से चर्चा करेंगे कि नेचर किस प्रकार का रहेगा संबंध का। परंतु यहाँ पे आकांक्षा इनके प्रति अधिक होने के कारण वे और किसी भी प्रकार के संबंध, यही नहीं कि कोई प्रेम संबंध है या विवाह है, कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप्स आपके परिवार के साथ, कई सारे समाज में रिलेशनशिप्स होते हैं, कोई भी प्रकार के रिलेशनशिप्स यहाँ पे व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि संबंधों से ही व्यक्ति अपने जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति करने के कारण संतुष्टि को प्राप्त होता है। इस वजह से इसके लिए व्यक्ति जीवन में बड़ा महत्व बन जाता है उसके। और यदि मान लीजिए किसी परिस्थिति में यह नहीं भी है कि जहाँ पे व्यक्ति को संबंधों में इतना ज़्यादा रुझान नहीं भी है, तो भी ना चाहते हुए भी उसे समाज और लोगों से संबंध किसी न किसी कारणवश स्थापित करना आवश्यक बन जाता है ज़िंदगी में।
ये भी एक चीज़ होती है कि मान लीजिए आपको कोई दिलचस्पी नहीं रिलेशनशिप्स में, और ना ही आपको कोई उनकी रिक्वायरमेंट है अपने इमोशनल एक्सप्रेशन और सेटिस्फैक्शन के लिए, फिर भी ना चाहते हुए भी आपको जीवन में कभी ना कभी लोगों से संबंध बनाने पे मजबूर होना पड़ेगा, कोई भी कारण हो सकता है उसके लिए। इसके अलावा यदि शुक्र और अन्य योग शुभ हैं तो ही, ये ध्यान रखें, यदि शुक्र और अन्य योग शुभ हैं तो ही व्यक्ति संबंध में संतुलन, मूल्य और भावनात्मक संतुष्टि की अपेक्षा रखता है। और संतुलन का अर्थ है, मैंने आपको पहले ही बोला, संतुलन का अर्थ यह नहीं कि सब चीज़ बैलेंस में है, संतुलन का अर्थ है कि हम जो है अपने जीवन में एक स्थायित्व बनाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, वह है संतुलन। और संतुलन की महत्ता एक दूसरे के मूल्य और अभिव्यक्ति को जो है बढ़ाती है, हमें दूसरे की आवश्यकता है अपने अपने मूल्य को और अस्तित्व को जानने के लिए, इसको संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पे यदि शुक्र और अन्य योग शुभ है कुंडली में, तो यह व्यक्ति को संबंध में संतुलन, मूल्य और भावनात्मक संतुष्टि की अपेक्षा रखेगा व्यक्ति, और इस कारणवश विवाह और प्रेम संबंध व्यक्ति के अच्छे व्यक्तित्व के लोगों से, अच्छे व्यक्तित्व और चरित्र के लोगों से बनते हैं और चलते हैं, और उनमें प्रेम, निष्ठा, आदर, लगाव, परिपक्वता, वास्तविकता और विश्वास बना रहता है। एक अच्छा जीवन, एक अच्छा प्रेम संबंध स्थापित होता है। और सिर्फ प्रेम संबंध ही नहीं, अन्य संबंध भी जिनका कारक शुक्र कुंडली के द्वारा बनता है वह भी अच्छे चलते हैं। परंतु यदि शुक्र पीड़ित है और अन्य योग अशुभ हैं, तो यह प्रेम संबंधों में काम वासना, प्रेमाशक्ति यानी इन्फेक्चुएशन, और इन्फेक्चुएशन को कंफ्यूज करता है व्यक्ति अधिकतम समय प्रेम से। तो प्रेमाशक्ति का जो है एक प्रेम प्रेम का भ्रम होता है प्रेमाशक्ति द्वारा। स्वार्थ, अपरिपक्वता, केवल अस्थाई आकर्षण, टेम्पररी और मोमेंटरी अट्रैक्शन ही ये देगा, कोई प्रेम नहीं देता। अविश्वास और अप्रतिबद्धता, डिस्ट्रस्ट एंड पुअर कमिटमेंट और अनकमिटमेंट के अधिक होने के कारण कोई संबंध और विवाह कभी भी जीवन में चलते नहीं, बनते नहीं, और उनसे किसी भी प्रकार के भावनात्मक सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती। तो यहाँ यह न समझें कि शुक्र इस राशि में बैठा है तो जीवन भर आपके संबंध, आपके विवाह और आपकी सारी चीज़ें अच्छी ही रहने वाली, ये गारंटी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यदि यह भ्रांति दिमाग में है तो इसे पहले निकालें, क्योंकि हर ग्रह जो है अपना एक व्यवहार लेके आता है और कुंडली में एक खास परिस्थितियों में उसका आकलन किया जाता है। यहाँ हम सिर्फ एक स्थिति की बात कर रहे हैं, हमें इसका ज्ञान नहीं है कि शुक्र कौन से योग बना रहा है, कौन से भावों का स्वामी है कुंडली में, किस नक्षत्रों में है, अन्य वर्ग कुंडलियों में उसकी क्या परिस्थिति है, ये इस बात का कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ इस बात की चर्चा की जा रही है कि शुक्र जब तुला में हो तो किन किन प्रकार के परिणामों को वो देने में सक्षम है, सिर्फ इस बात की चर्चा की जा रही है। और अच्छे भी मिलते हैं और बुरे भी मिलते हैं, तो ये दोनों ही पक्ष मैं आपके सामने रखता हूँ, और आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए इसको एक जानकारी के स्रोत की तरह लेना है, किसी भी निष्कर्ष पर अचानक से मत आइए। अगली चीज आती है कि यदि करियर फील्ड्स की बात करी जाए, तो शुक्र यदि इनके लिए कुंडली में जिम्मेदार है तो कला, संगीत, नृत्य, अभिनय, मनोरंजन, लेखन, कविता, फैशन, आभूषण, कपड़ा और टेक्सटाइल उद्योग है, खाद्य उद्योग है, हॉस्पिटैलिटी का पूरा क्षेत्र है जैसे होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बार्स, पब्स, क्लब्स, कैसीनोज, स्पास, ये इस सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री पूरी पूरी, मेकअप्स एंड कॉस्मेटिक्स, एस्थेटिशियंस होते हैं, ब्यूटी पार्लर लोग चलाते हैं, ये सारे जितने भी आपके ब्यूटी ट्रीटमेंट्स वाले जो आपके व्यापार हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा जनसंपर्क यानी
पब्लिक रिलेशंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, वित्त और धन प्रबंधन है, जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन है, पत्रकारिता है, मीडिया है, एडवर्टाइजिंग है, इनके लिए बहुत शुभ माना जाता है शुक्र इस राशि में। ललित कला यानी फाइन आर्ट्स के लिए, डिज़ाइन के लिए, हर प्रकार की डिज़ाइन हम इससे देख सकते हैं, चाहे फैशन डिज़ाइन हो, इंटीरियर डिज़ाइन हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन हो, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन हो, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो, एनिमेशन हो, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखी जा सकती हैं। आर्किटेक्चर का क्षेत्र अच्छा माना जाता है, पर्यटन के लिए शुभ है, ट्रांसपोर्टेशन और वाहन से जुड़ा कोई भी काम इसके अंतर्गत देख सकते हैं। और इस क्षेत्र में कोई भी कार्य करने वाले लोग, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स हों, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के करने वाले व्यापारी हों, चाहे वो कोई भी ऐसे लोग जो वाहन से जुड़ा काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आयात निर्यात से जुड़ा काम करते हैं, वो इसके अंतर्गत देखे जा सकते हैं। और ख़ास तौर से जो स्पेसिफिकली देखें तो प्लेन्स, एरोप्लेन्स, एविएशन का सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को डायरेक्टली ये कंट्रोल करता है। बट इसका ये अर्थ नहीं कि और वाहन नहीं आएंगे, मुख्यतः शुक्र इनका ज़्यादा कारक है तो इनका ज़्यादा प्रभाव देखने मिल सकता है। दूसरा आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, टेलीकॉम, इन सब के लिए शुभ स्थिति है। मर्चेंट नेवी, आयात निर्यात यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए शुभ माना जाता है। शिक्षा यानी एजुकेशन का जो पूरा क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत देखा जा सकता है। वकालत, न्याय व्यवस्था, राजनीति, खेल, फिटनेस, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, वो इससे हम देख सकते हैं। ऐसे तो ये सारे बहुत सारी शुभ जो है करियर फील्ड्स हैं जो शुक्र यदि करियर को लेकर जिम्मेदार बने तो दे सकता है। तो अब बात करते हैं उस परिस्थिति की जब शुक्र जो है इस राशि में है परंतु चंद्रमा और लग्न के स्वामी और शुक्र पीड़ित होते हैं, उन खराब योगों का निर्माण कर देते हैं और जो है उनकी परिस्थिति अन्य वर्ग कुंडलियों में शुभ नहीं है। तो शुक्र यदि चंद्र और लग्न के स्वामी यदि बलहीन हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और अन्य खराब योगों का या दोषों का निर्माण कर रहे हैं तो निश्चय ही शुक्र अपनी राशि में बैठने के बावजूद अब कई सारे नकारात्मक गुणों को जीवन में भरेगा व्यक्ति के। तो यहाँ पे किस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो ये मानसिक और भावनात्मक असंतुलन देता है, इमोशनल एंड मेंटल इनस्टेबिलिटी। सारी संपदा, सुख समृद्धि होने के बावजूद आपके भीतर सुख महसूस करने की एबिलिटी नहीं रह जाती, इन एबिलिटी टू फील प्लेजर। दुनिया में सारी चीज़ें मौजूद हैं, सारे सुख साधन उपलब्ध होने के बावजूद व्यक्ति सुखी नहीं महसूस करता, सुख नहीं महसूस करता, महसूस नहीं हो पाता है बिल्कुल भी। ये इनएबिलिटी टू फील प्लेजर ये यहाँ दिखाई पड़ती है। दूसरा, कंसंट्रेशन बहुत पुअर होता है। इसके अलावा सेल्फ ऑब्सेशन बढ़ता है, हमेशा अपने बारे में कैसे लग रहे हैं, लोग कैसे हमारे बारे में सोच रहे हैं, इसी चक्कर में पड़े रहते हैं। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनालिटी होती है, जो लोग बहुत पब्लिसिटी स्टंट करते फिरते हैं वो सब इससे देखे जा सकते हैं। तो शुक्र जो है वो आपका सेल्फ ऑब्सेशन को दिखाएगा इस राशि में। दूसरा, मूड स्विंग्स दे सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एडिक्शंस है, किसी भी प्रकार की लतें, चाहे वो सिगरेट की हो, शराब की हो, कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ हो, कोई भी जुए की लत हो, गैम्बलिंग है, एड्रेनलिन जंकीज लोग होते हैं वो सब इससे देखे जा सकते हैं। हर प्रकार की बुरी लतें इससे देखी जा सकती हैं। फूड आपकी जिनको डिसऑर्डर्स होते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स जिनको होते हैं, कि खास तौर से जो लोग बहुत ज़्यादा ही हमेशा खाने के ऊपर, कैफीन एडिक्शन बहुत है, खाना बहुत है, जंक फूड बहुत खाते हैं और यह नहीं कि सिर्फ खा रहे हैं, इसकी लत लग चुकी है कि अब कुछ भी मिले ये खाना ज़रूरी बन चुका है, इस तरीके से शरीर ढल चुका है कि बिना इसके मिले उनको चैन नहीं मिलता है। तो ये भी जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर्स भी ये शुक्र दे सकता है बहुत आसानी से। इसके अलावा ये डायबिटीज़, पैंक्रियाज, यूरिनरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ख़राब करता है। किसी भी प्रकार की इनसे जुड़ी व्याधियाँ आसानी से हो सकती हैं, छोटी से लेके गंभीर व्याधियाँ तक आसानी से ये दे सकता है इन अंगों से जुड़ी हुई। दूसरा, तो इसमें जो है आपके इनफर्टिलिटी, पीसीओडी, मिसकैरेजेस, सभी प्रकार के वेनीरियल डिजीजेज यानी एसटीडीज जितने भी आते हैं वो सब ये देने की क्षमता रखता है यदि ऐसे योग बने कुंडली में। दूसरा, एंडोक्राइन सिस्टम को कमज़ोर कर देता है और कुछ खास परिस्थितियों में, उन परिस्थितियों के बारे में आपको नहीं बताएंगे परंतु कुछ खास विशेष परिस्थितियों में यह व्यक्ति के भीतर जो है नहीं व्यक्ति के भीतर नहीं व्यक्ति के जीवन में फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज़ या ट्रॉमा को भी उत्पन्न करने के लिए क्षमता रख सकता है यदि ऐसे योग बने तो। दूसरा, कामुकता बहुत बढ़ती है यदि ऐसे नकारात्मक परिस्थिति में शुक्र गया है तो, ये लस्ट बहुत बढ़ाएगा और एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन भी ये दे सकता है। इसके अलावा यहाँ पे
शुक्र क्योंकि माया का ग्रह है तो माया के प्रति अब अंधापन देगा, तो यहाँ पे हम कई नकारात्मक पक्षों को स्वभाव में भरते हुए दिख सकता है कि ये दे, जैसे झूठ बोलने की आदत है, लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या, छल, कपट, विश्वासघात और लोगों का गलत इस्तेमाल करना, भावनात्मक रूप से उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करना, इमोशनल मैनिपुलेशन और लोगों का इस्तेमाल करना, यूज्ड अदर पीपल, बहुत ज़्यादा एक तरीके से स्वार्थपरता को बढ़ा दे, हाईली सेल्फिश नेचर। इसके अलावा अपनी जो इच्छाएं होती हैं, भौतिक इच्छाएं बहुत तीव्र होती हैं और बहुत ऊंची होती हैं, यानी कि अनरियलिस्टिक होप्स और डिज़ायर्स ये देता है व्यक्ति के भीतर, कि मान लीजिए ये अच्छी बात भी है और ये ख़राब बात भी है। पर यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यदि शुक्र पीड़ित है और चंद्रमा उसका सहयोग नहीं देता तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों के प्रति लालसा और इच्छाएं अधिक होंगी जो व्यक्ति अपने जिसके जिसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति के भीतर सामर्थ्य भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है, पर मेहनत से अपने भीतर आप टैलेंट नहीं उत्पन्न कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी ये जन्मजात होता है। तो जो व्यक्ति मान लीजिए गाना गाने वाले लोग हैं, जो जो सिंगर हैं, हर व्यक्ति गाना नहीं गा सकता है, गाना गाने के लिए एक मधुर आवाज़ होनी ज़रूरी है और हर व्यक्ति की मधुर आवाज़ नहीं होती है। तो जो व्यक्ति ये सोचे कि नहीं मुझे गायक ही बनना है भले ही उसकी आवाज़ बिल्कुल भी मधुर ना हो, तो यहाँ पे इस प्रकार की अनरियलिस्टिक जो है एक डिज़ायर से जनरेट कर देता है जो आप कभी जीवन में फुलफिल कर ही नहीं सकते, यह एक प्रकार की धारणा देगा। और दूसरा एक और चीज़ होती है कि भौतिकता के प्रति अंधापन हो जाने के कारण, ब्लाइंडेड बाय मटीरियलिज्म और हाई डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छाओं के हो जाने के कारण व्यक्ति के भीतर सही और गलत पहचानने की क्षमता खत्म होने लगती है। और यदि बृहस्पति भी अच्छा नहीं है तो यह और ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, तो सही और गलत पहचानने की क्षमता नहीं होती। और इसके कारण क्या होता है, बहुत आसानी से दूसरों के बहकावे में आकर कुमार्ग पर चल पड़ते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। तो इसके कारण हम बहुत से ऐसे लोगों को भी देख सकते हैं जो ऐसे ऐसे अवैध कार्य करते हैं, जो और ऐसे लोग हैं समाज में। तो यहाँ ज्योतिष हर चीज़ को दिखाती है। तो जो लोग जो हैं ड्रग्स में हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, प्रोस्टिट्यूशन, जो आपके एम्बेसलर्स हैं कॉरपोरेट सेक्टर्स में, शुक्र कॉरपोरेट का कारक है तो इसमें यही नहीं समझें कि जो लोग माफियाज हैं वही आएंगे, जो लोग इसमें आपके कॉरपोरेट क्रिमिनल्स हैं वो भी इसमें देखे जा सकते हैं, पैसे का गबन करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। एक और चीज़ है, शुक्र हमारी भावनाओं का कारक है और यदि भावनाएँ मर जाएँ तो एक तो यहाँ क्या होगा कि शुक्र जो है भावनाओं को जो है अपने भीतर समझने और की शक्ति तो उसके भीतर बचती नहीं है, परंतु दूसरे की भावनाओं को वो इमिटेट कर सकता है, नकल कर सकता है, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है, इसलिए ये सोशियोपैथिक बिहेवियर वर्स्ट कंडीशंस में जनरेट कर सकता है। तो अगर हम इस प्रकार की कुंडली देखते हैं और इतने ही भयावह बन चुके हैं योग, तो ये सोशियोपैथिक बिहेवियर दे सकता है, साइकोपैथिक कभी नहीं देगा। सोशियोपैथिक बिहेवियर इज डेफिनेटली पॉसिबल हियर, बट इट इज़ अंडर डायर सर्कमस्टांसेस और उसके लिए बहुत डिटेल में कुंडली का एनालिसिस किया जाता है। तो निष्कर्ष पे मत आइएगा बिल्कुल भी, सिर्फ जानकारी के लिए लीजिए इसको। इसके अलावा यहाँ पे जो मैरिज और रिलेशनशिप हैं, विवाह और संबंध, प्रेम संबंध, उनके बारे में ऑलरेडी बताया जा चुका है कि वो चल नहीं पाते। और इसके अलावा ये जीवन में स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज और इनके कारण मान हानि और ख़ास तौर से स्त्रियों के संपर्क में आने के कारण स्कैंडल्स और कंट्रोवर्सीज ज़्यादा हों, ये देखने को मिलता है। तो जैसे एक जैसे आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं या कोई ऐसे रिलेशनशिप्स, कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स हैं, ये सब इससे देखे जा सकते हैं। या नहीं भी हैं तो कोई एलिगेशंस ऐसे लग जाएं जिसमें आपके मानहानि हो, बदनामी हो, ये सारी चीज़ें देने में क्षमता रखेगा, ऐसे योग बनने चाहिए। तो यहाँ मेरा सिर्फ एक ही प्रयास है कि आपको वह सारी चीज़ें बताने के कोशिश की जाए जो एक ग्रह एक राशि में बैठने के कारण परिणाम दे सकता है, और वो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो हमने अच्छे भी देखे और बुरे दोनों देखे, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि आप किसी निष्कर्ष पर चले आए सीधे।
तो सबसे पहले आपको पूरी कुंडली देखनी चाहिए, अन्य ग्रहों की परिस्थितियां देखनी चाहिए, योग देखने चाहिए, ग्रह की शक्ति देखनी चाहिए, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। तो इसको जो है जानकारी के लिए लीजिए, उससे अधिक कुछ भी नहीं। तो मेरे ख्याल से अब आपको बहुत कुछ समझ आया होगा कि शुक्र अपनी राशि में तुला में बैठने के कारण किस किस प्रकार के परिणाम देने की क्षमता रखता है। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, नमस्कार और धन्यवाद।